अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर धनबाद रेलवे स्टेशन की बागडोर महिला कर्मियों के हाथों में सौंपी गई। महिला कर्मियों ने ट्रेन चलाने के लिए स्टेशन के मैनेजमेंट तक की हर छोटी बड़ी भूमिका संभाली। गार्ड, टीटीई, सिक्योरिटी चेक, टिकट काउंटर, पूछताछ काउंटर, कंट्रोल रूम तक की जिम्मेदारी महिलाओं के ही हाथों में रही। इस तरह से रेलवे स्टेशन का 75% काम महिला कर्मियों ने ही संभाला। धनबाद सिंदरी पैसेंजर ट्रेन में भी महिला गार्ड की तैनाती की गई थी। वहीं टिकट कलेक्शन, रिजर्वेशन काउंटर से लेकर हर जगह महिलाओं को ही ड्यूटी पर तैनात किया गया। महिलाएं भी रेलवे की जिम्मेदारी संभाल कर काफी खुश नजर आईं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला वहीं धनबाद के स्टेशन मास्टर संजय कुमार ने बताया कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सशक्तिकरण से देश भी मजबूत होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरे जो ऑपरेटिंग जो पॉइंट है धनबाद के पीए में आरआरआई जो मेन जहाँ से ऑपरेटिंग कंट्रोल होता है वहाँ 3 महिलाएं, एवाईएम जो यार्ड है वहाँ पर महिलाएं, गार्ड रोस्टर जहाँ से गार्ड की बुकिंग होती है वहाँ पर एक महिला वर्क कर रही है। आज जो धनबाद सिंदरी पैसेंजर जो 11:30 बजे खुली है उसमें एक महिला गार्ड कर्मी, बुकिंग में महिला कर्मी और टीसी लोग में माने बहुत की संख्या में आपका महिला कर्मी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के कार्यरत है। पूरा स्टेशन जो है आज महिला लगभग आज कहा जा सकता है कि 75% ऊपर महिलाओं के कार्यरत है आपका। क्या कहेंगे महिलाओं के लिए, आज महिला दिवस है, प्रधानमंत्री महिलाओं को अग्रसर होने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप तो आ ही गया है कि महिला को अब आगे करना है, पुरुषों से कंधा में कंधा मिला के चल रही है, एकदम किसी भी क्षेत्र में महिला कमजोर नहीं रही है, एकदम सशक्त है महिला, इससे भारत भी और मजबूत होगा। अगर महिला मजबूत होगी तो मेरा भारत देश भी मजबूत होगा। जो स्टेशन महिलाओं के द्वारा काम किया जा रहा है सुचारू रूप से देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण से ही भारत का विकास होगा। दुनिया के वो देश ही विकसित हुए हैं जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, इसलिए सरकार और समाज को बेटियों को उनका हक देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।